हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इस मार्केट के गिरावट में हमें ऐसे स्टॉक एकोमोडेट करना चाहिए जो कि मोनोपोली है उनकी मार्केट में और फ्यूचर स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन या रिसेशन से इनको अफेक्ट नहीं होगा। ऐसे स्टॉक हमें एकोमोडेट करना चाहिए जो कि 52 लोग के आसपास मिल रहा है। यह स्टॉक जो कि मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट का, कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी NSDL और CDSL, ये दो आप जानते हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज है पूरे भारत में। तो मोनोपोली इसलिए बोल रहा हूँ कि CDSL और NSDL के हिसाब से देखा जाए तो CDSL का मार्केट स्टेक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NSDL, पहली बात। और दूसरी बात, CDSL ये एकमात्र कंपनी है इस टाइप की इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, इसीलिए मोनोपोली है इनकी। और इनके डीमैट अकाउंट की संख्या CDSL में लगातार बढ़ रही है, रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ रही है। इसके कारण आने वाले दिनों में जितना भी वॉल्यूम IPOs आएंगे, ट्रेडिंग होगा, उसका बेनिफिट CDSL को मिलने ही वाला है। इसका आज का क्लोजिंग था 1110 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 1735 रुपीज़। इसका 52 वीक लो है 1010 रुपीज़ का, तो बहुत ही पास में मिल रहा है 52 वीक लो के CDSL का शेयर। इसका PE भी ठीक ठाक है, 37 का PE है, EPS है 30 का, कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है और इसके प्रॉफिट्स भी अच्छे आ रहे हैं और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। प्रमोटर्स के पास है 20%, FII के पास है 10% एंड DII के पास है 26%। FII DII का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इस शेयर के अंदर। ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है इसलिए प्रमोटर होल्डिंग आपको 20% दिख रहा है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो मार्च 21 में प्रॉफिट था 52 करोड़, दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 84 करोड़ एंड मार्च 22 में प्रॉफिट आया था 78 करोड़। प्रॉफिट भी लगातार ठीक ठाक आ रहा है, हालांकि क्वार्टर फोर का रिजल्ट थोड़ा कम आया था, बट जैसे जैसे डीमैट अकाउंट खुलेंगे, और आप जानते हो इस क्वार्टर में LIC का भी IPO आया था, उसके कारण डीमैट अकाउंट मुद खुले थे, उसका इम्पैक्ट और बेनिफिट इस क्वार्टर वन में देखने को मिल सकता है हम लोगों को, जिससे इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट एज कम्पेयर टू क्वार्टर फोर ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो इसीलिए CDSL को बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, जो कि मोनोपोलिस्टिक है, डेट फ्री है एंड फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं होने के कारण। एंड शेयर मार्केट में आप देख रहे हो जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, तो इसका प्रॉफिट भी आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि एक अच्छी बात होगी इसके इन्वेस्टर्स के लिए। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से CDSL में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।